हेलो फ्रेंड्स, मैं वृंदर पंजाब। तो फ्रेंड्स, एक न्यू कॉर्नर तैयार कर रही हूँ। एक है था फाउंटन सी, जिसनों के मैं यूज कर रही हूँ एक कॉर्नर का न्यू लुक देने लिए। उस तो अगे स्पाइडर प्लांट, सिमोनिया और छोटे मोटे होर प्लांट और ट्रेंगल हार्ट वाइन। इस तरह इधर वाइट डबल पैटर्न चांदनी का प्लांट है, जैसे कि प्रूनिंग मैं कर चुकी हूँ। पेंसिल कैक्टस और बहुत सारे प्लांट दे के कॉर्नर इस तरह न्यू लुक विच चेंज कर रही हूँ। इस तरह इस साइड मेरे प्लांट और बहुत सारे लगे हुए हैं, जो कि आप देख ही सकते हो फ्रेंड। ऑलमोस्ट के मैं सारे पॉट्स की सफाई कर चुकी हूँ और गुडाई भी की हुई है, कि जो कि सदका पंजाब विच काफ़ी बारिशा होने प्लांट्स के प्लांटर के पानी रुकया हुआ सी, उसकी सफाई कर चुकी हूँ, जो कि गुडाई भी की है, जिस ना कि पानी जो कि है सुक जाएगा। उस तो उपरंत ये सुकन गए तो फिर खाद वगैरह दे दी जाएगी। ये मेरा गुलाब, जिसकी कि कुछ दिन बाद पहला वीडियो बनाई सी, उसकी भी एक ही फ्लावर आया सी और मैं इसकी कटिंग करके इन न्यू शूट निकल आई है। और फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने प्लांट्स में राख यूज़ करते हैं, जो कि मैं अजकल देख रही बहुत सारे भैन भरा यही एडवाइस दे रहे हैं कि राख यूज़ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं तो जो भी गार्डनिंग करती हूँ तब ही राख का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे एक दो वीडियो विच पहला भी मैं शो अप कर चुकी हाँ। फ्रेंड, जब बहुत ज़्यादा बारिशा हो रही सी तब मैं स्पेशल राख बनाई, और जो कि राख मैं राइस हस्क नू जला के बनाई सी, जिसका कि मैनू बेनीफिट भी ज़्यादा होएगा। इस सारे प्लांट्सों के मैं यूज़ किया है। सारे प्लांटर की गुडाई होने तो बाद इस तरह साफ सफाई काफ़ी हो गई है। बोगनविले काफ़ी पानी रुकया हुआ सी, इस मैं ज़्यादा राख का यूज किया। कनेर के भी सब ऑलमोस्ट के सारे प्लांटर में मैं यूज राख का करती हाँ, क्योंकि दो महीने बाद मैं जरूर राख यूज़ करती हूँ। और वैसे भी बना के प्लांट्स के पिंटास के भी राख का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कदम गडाई नहीं हुई। धीरे धीरे हौली हौली यह सब कुछ चलता ही रहता है। ये मेरे मौसमी का ट्री आते मैं काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट लटका रखे, जिसकी कि बहुत नाइस लुकिंग नज़र आते। और काफ़ी सारे टवाए वगैरह भी यूज कर लेंगे, कि समाइली जो कि इस तरह चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट, थैंक्स एवरीवन। अगर न्यू कॉर्नर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करो और लाइक्स शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स एवरीवन।